नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड में है और कल यानी 23 अगस्त को वो 7 घंटों के लिए यूक्रेन की यात्रा करेंगे। यही वे 7 घंटे के लिए सिर्फ इसलिए वो वहाँ जा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की स्थिति जो है वो बहुत ही एक तरह से कहा जा सकता है कि डावाडोल है। वहाँ पर जो युद्ध है और भी ज़्यादा तेज हो गया है पिछले कुछ दिनों में, जब से यूक्रेन ने रूस के इलाके कुर्स्क पर हमला किया और उसके कुछ इलाकों के अंदर घुसपैठ कर ली, जिसके बाद से ये जो 2.5 साल से ये युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, इसका डायनेमिक्स बिल्कुल बदल गया। अब अगर आज हम लोग भारत के अखबारों पर गौर करें तो कुछ अखबारों ने ऐसी हेडिंग दी है जिसमें ये कहा गया है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का पीस मिशन है, शांति का मकसद लेकर वो गए हैं और वो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की उनसे वो अपनी शांति योजना पर बात करें। भारत की क्या शांति योजना है, क्या फॉर्मूला है, किस आधार पर बातचीत होगी, यह तो अभी तक सामने नहीं आया है, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। आमतौर पर ठीक है, ये बात हम लोग समझ भी सकते हैं कि अगर किसी पीस की योजना पर, शांति की योजना पर काम किया जा रहा है तो उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य होते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं जिसके आधार पर यह इसके संकेत मिलते हैं कि आखिर किस फॉर्मूले के साथ कोई देश शांति की पहल कर रहा है। अभी पिछले महीने ही जुलाई में प्रधानमंत्री रूस गए थे, वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ से संकेत दिया, जिस तरह से उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया और फिर पुतिन के साथ, वो मेरे ख्याल से ये संकेत ज़्यादा पुतिन ने देना चाहा। उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रिक कार में इनको बैठा कर और मॉस्को की सड़कों पर घुमाया, तो जाहिर है उसमें जो मैसेजिंग था वो मैसेजिंग पुतिन की तरफ से ये देने की कोशिश की गई कि भारत, जिस पर पश्चिम काफ़ी भरोसा करता रहा है अपनी स्ट्रेटजी के लिए, अपनी रणनीति के लिए, वो जो उनका दांव है वो दांव किसी बहुत मजबूत नहीं है। तो यह संदेश दिया गया, इसको लेकर पश्चिम में बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया हुई। भारत स्थित जो अमेरिका के राजदूत हैं एरिक गावसेती, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत, जब युद्ध चल रहा हो तो ये जो भारत की तरफ से कहा गया है कि ये कूटनीतिक स्वायत्तता है भारत की कि वो किसी के साथ संबंध रखे, युद्ध के समय में ऐसी कोई स्वायत्तता नहीं होती है। और अमेरिका के भीतर भी अमेरिकी अधिकारियों ने प्राइम मिनिस्टर की मॉस्को यात्रा को लेकर बहुत नाराजगी जताई थी। अब उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये खबर आई कि प्रधानमंत्री अगस्त में यूक्रेन जाएंगे। मॉस्को की यात्रा में प्राइम मिनिस्टर ने कोई पीस प्रपोजल रखा, शांति का प्रस्ताव रखा, इसकी अभी तक कोई सूचना या संकेत नहीं। तो अब यही इसीलिए बहुत से लोगों के ये मन में सवाल आया है कि प्राइम मिनिस्टर किस लिए यूक्रेन जा रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों के लिए जा रहे हैं तो उसकी जरूरत तो हमेशा ही बनी रहती है, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों की जो यात्रा होती है वो 7 घंटे की संक्षिप्त यात्रा हो, ये भी थोड़ा सा असामान्य सा है। और अगर ये द्विपक्षीय यात्रा है तो फिर इसकी जो चर्चा है इसको लेकर जो मीडिया में और एक पूरा एक हाइप क्रिएट किया गया है वो नहीं होना चाहिए, फिर एक सिर्फ ये आपसी संबंधों का मामला होगा। लेकिन भारत में मैसेजिंग को ये हुई है, संदेश ये दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर एक मिशन पे गए हैं जो युद्ध चल रहा है उसको रुकवाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल 2 सालों में कुछ जुमले जरूर बोले हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है। अभी जब वो मॉस्को गए थे तब उन्होंने कहा था कि आज के युग में युद्ध के मैदान पर जीत हार का फैसला नहीं हो सकता। अब इन बातों का चाहे जो भी मतलब, सद्भावना जताने के लिए तो ये बातें हमेशा ही अच्छी हैं, लेकिन इसका कोई व्यवहारिक मतलब है? जब युद्ध का युग नहीं है तो युद्ध तो हो रहा है, युद्ध
एक जगह नहीं हो रहा है, दो जगह हो रहा है, गजा में भी चल रहा है, और जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है वहाँ पर उसकी स्थितियाँ लगातार बिगड़ती गई हैं। फिलीपींस और चीन के बीच जो टकराव है, ताइवान का सवाल है, तो वैसे मौकों पर इन बातों का कोई मतलब दुनिया में नहीं समझा जाता है कि ये युद्ध का समय नहीं है। हाँ, भारत में जरूर इसको काफ़ी तवज्जो दी जाती है, यहाँ के मीडिया में इसको खूब बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती हैं इसको लेकर, और जो एक प्रधानमंत्री की फॉलोइंग है बहुत बड़ी है, बहुत बड़े उनके समर्थक लोग हैं, वो लोग इसको लेकर एक माहौल, एक नैरेटिव है जो उन्होंने पिछले 10 साल से भी कहा जा सकता है उन्होंने बना रखा है कि भारत विश्व गुरु बन गया है, भारत ही सब कुछ संचालित कर रहा है। उस नैरेटिव को बनाए रखने के लिए और उसमें जो यकीन करने वाले लोग हैं उनको मैसेज देने के लिए तो इन बातों का भी महत्व होता है। और प्रधानमंत्री जितनी भी यात्रा करते हैं, जैसे कि वो देश में जो भी करते हैं वो मास्टर स्ट्रोक होता है, वैसे वो जितनी भी यात्राएं करते हैं वो एक बहुत बड़े फ्लक पर उसको पेश किया जाता है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर जिस समय यूक्रेन गए हैं उस समय की परिस्थितियां क्या है। पिछले लगभग 8-9 दिन पहले या 10 दिन हुए जब यूक्रेन ने अचानक कुर्क्स इलाका है रूस का, जो युद्ध का मोर्चा नहीं था, जो दूसरी तरफ है, वहाँ उसने हमला कर दिया। और चूंकि रूस की सेना वहाँ सतर्क नहीं थी तो यूक्रेन की सेना कई किलोमीटर तक अंदर घुस गई। इस घटना ने इस युद्ध के डायनेमिक्स को बदल दिया। उसके बाद ही अभी परसों रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अब बातचीत से कोई समाधान निकलना नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं इस बात को कि कुर्क्स के हमले के बाद अब हम एक निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। कई खबरों में बताया गया है कि रूस इस युद्ध का पूरा चरित्र बदलने की घोषणा करने वाला है। हम लोग सभी जानते हैं कि जब 24 फरवरी 2022 को ये लड़ाई शुरू हुई तो रूस ने इसे युद्ध नहीं कहा था, रूस ने इसे विशेष सैनिक कार्रवाई, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा। अब ये खबरें हैं कि रूस इसको फुल फ्लेज्ड पूरे युद्ध का दर्जा दे सकता है। इन दोनों में जो मिलिट्री स्ट्रेटजी के जानकार हैं उन वो बताते हैं कि इन दोनों में बहुत भारी फर्क होता है। विशेष सैनिक कार्रवाई का मतलब था कि एक इलाका विशेष जो डोनबास का इलाका था जिसे रूस ने यूक्रेन से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा था, उसकी कार्रवाई मुख्य रूप से वहाँ केंद्रित, लेकिन जब युद्ध होगा तो फिर हर मोर्चे पर होगा और उसमें हर निशाना जो होगा, हर जो ठिकाना है वो निशाने पर होगा। और जब वो लड़ाई होगी तो फिर उसका असर क्या होगा, वो बात कहाँ तक जाएगी, ये आशंकाएं आज दुनिया में छाई, क्योंकि क्या उस युद्ध में दूसरे देश भी शामिल होंगे। जो अमेरिका ने और यूरोप ने वहाँ पर अपने हथियार दिए हैं और उनके जो विशेषज्ञ हैं वो भी उसकी जद में आएंगे। अगर वो उसकी जद में आते हैं तो उस पर उन देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी। इन सारी बातों पर इस समय दुनिया भर के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं और मीडिया है, पश्चिमी मीडिया है, उसमें कयास लगाए जा रहे हैं। उस मौके पर प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाने से कुछ हासिल होगा इसकी तो शून्य संभावना है, इसकी संभावना शून्य है। और कल जबकि ये सारा माहौल बन रहा है तो यूक्रेन की ओर से रूस की राजधानी मॉस्को पर दर्जन भर से ज़्यादा ड्रोन दागे गए, ड्रोन भेजे गए वहाँ पर। ये और बात है कि रूस की जो प्रणाली है वो सतर्क थी और उसने सारे ड्रोन्स को मार गिराया, जो उनकी एक रक्षा की प्रणाली होती है सभी बड़े देशों के पास में होती है, रूस ने भी उसे तैनात कर रखा था तो वहाँ पर कोई रूस को उससे ज़्यादा नुकसान उससे नहीं हुआ। लेकिन ये इसे भी युद्ध के आगे बढ़ने, युद्ध के और तेज होने का एक संकेत के रूप में देखा गया है। ठीक वैसे मौके पर प्राइम मिनिस्टर का कीव जाना, जो राजधानी है यूक्रेन की, वहाँ से देसी जो लोग हैं, देसी ऑडियंस है, घरेलू जो श्रोता वर्ग है उनका, उसको तो चाहे जो भी मैसेज हो वो मैसेजिंग काफ़ी चल रही है, दी जाएगी, लेकिन असल कहानी जो बनेगी वहाँ पर उसमें कुछ हासिल होगा इसकी संभावना किसी को भी नहीं। जो भी युद्ध के स्वरूप को आज की स्थिति से वाकिफ है उसे कोई संभावना नहीं। वैसे भी
सवाल यह है कि यह युद्ध हुआ क्यों, इस युद्ध की वजहें कहाँ हैं, रूस का उस पर क्या पक्ष है। यूक्रेन के बारे में तो आम तौर पर ये माना जाता है कि यूक्रेन इस युद्ध में केवल एक मोहरा है उसके पीठ से जो बंदूकें चलाई जा रही हैं वो तो नेटो की हैं, पश्चिमी देशों की हैं। इस स्थिति में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की कितनी भूमिका है जिसमें वो युद्ध खत्म करने के लिए वो एम्पावर्ड हैं और वो खत्म कर सकते हैं, और क्या ये युद्ध जो जिन चिंताओं को लेकर, जिन तीन मकसदों को लेकर रूस ने हमला किया था, रूस ने विशेष सैनिक कार्रवाई शुरू की थी 24 फरवरी को, उसको बिना एड्रेस किए उसका कोई समाधान निकाले ये युद्ध खत्म हो सकता है? इन सवालों के ऊपर में भारत ने आज तक कोई स्टैंड नहीं लिया। कल प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचे, आज भी वो पोलैंड में हैं। पोलैंड में जैसा कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक चलन है कि वो जहां भी जाते हैं वहां पर रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनका एक समारोह होता है, उसके बीच में वो भाषण देते हैं जिसमें वो देसी राजनीति पर ज़्यादा बोलते हैं, विदेशी मामलों पर तो कम ही बोलते हैं। कल भी उन्होंने पुरानी सरकारों की आलोचना की, उन्होंने कहा कि पहले भारत ने ऐसी नीति अपना रखी थी किसी से संबंध नहीं रखेंगे, नो अलाइनमेंट, अब हमने सबसे जुड़ने की नीति अपनाई है और इसी नीति के तहत हम पोलैंड भी आए हैं और दुनिया में हम सबसे संबंध बना रहे हैं। ये कोई एक बार फिर देश में उनके समर्थक वर्ग को इससे जो भी मैसेज मिलता हो, इससे बाकी लोगों के लिए और बाकी दुनिया के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। ये भारत की अतीत में क्या कूटनीति थी, जो कूटनीति थी हकीकत ये है और इस बात को दुनिया स्वीकार करती है, पश्चिमी देशों में भले उसको लेकर बहुत एप्रिसिएशन ना हो क्योंकि वो जो चाहते थे वो उस समय नहीं था, लेकिन जो गुटनिरपेक्षता की जो भारत की विरासत है उस विरासत की तारीफ दुनिया भर में होती है, अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका, एशियाई देशों में होती है। उस परिस्थिति में जाकर पुरानी विदेश नीति को खारिज करना, उसकी आलोचना करना, चलिए ये देसी राजनीति के लिए तो ठीक है लेकिन उससे तो कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। सवाल ये है, इस यात्रा को जो परखा जाएगा, इस कसौटी पे परखा जाएगा कि भारत शांति का फॉर्मूला क्या रखता है। पीस प्रपोजल लेकर प्राइम मिनिस्टर क्या गए, क्या उस पीस प्रपोजल पर उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी और उस पर उन्हें कोई आश्वासन मिला, कोई सहमति बनी जिसको लेकर वो जेलेंस्की को बताने गए, और जब वो वहाँ से आएंगे तो उसके ऊपर लोगों की अपेक्षा होगी ये जानने की कि उनके और जेलेंस्की के बीच में बात क्या हुई और सहमति क्या बनी, क्या युद्ध को ख़त्म करने की दिशा में कोई कदम आगे बढ़ाने पर सहमति बनी, और अगर ये नहीं बनती है तो फिर ये सवाल पूछा जाएगा।